तो आइए हम आज का जो सेशन है सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंट वे में रखने का प्रयास करेंगे। हम लोग लेल कृष्णा से दामोदर लीला इकट्ठे देखेंगे ताकि यू नो आवर मूड फॉर द दामोदर लीला गेट्स सेट इन। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और हम लोग 10 से 11 मिनट का ये वीडियो है, हम लोग इसको देखेंगे। हम में से काफी जनों को ये स्टोरी पता होगी ऑलरेडी, बट ये देखने से एक हमारा मूड जो है वो ट्रिगर होगा दामोदर लीला के लिए, और फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे दामोदर लीला के ऊपर। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप सर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? समबडी कैन कंफर्म? यस प्रभु। यस प्रभु जी। और ऑडियो ऑडियो आ रहा है प्रभु? यस प्रभु जी। आपने जो वीडियो प्ले किया ना उसका ऑडियो नहीं आ रहा है अभी। ऑडियो नहीं आ रहा है? नहीं, उसको उसके लिए ना आपको ऑप्शंस में जाके शेयर करना पड़ेगा। शेयर कंप्यूटर ऑडियो साउंड ऐसे कुछ है ऑप्शन। शेयर स्क्रीन है ना वहां पर? शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करिए और वहां पर व्यू ऑप्शन है, आई थिंक वहीं पर है। अदरवाइज आप मुझे लिंक पिंग कर दिए, मैं यहाँ से शेयर कर लूंगा। अभी देखिए शायद आएगी, भी आ रही है, शायद शुरू हुई है। एक मिनट वेट करते हैं। अब आ रही है प्रोजी? नहीं अभी तक नहीं आ रही। साउंड आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा मुझे नहीं आ रही वीडियो। क्या आवाज आ रही है ना प्रभु? प्रभु जी आ रही है लेकिन आपका चल चित्र आवाज आ रही है। अरुण कृष्ण प्रभु आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो वीडियो स्टिल हो गया, खड़ा हो गया। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वीडियो की आवाज नहीं है। लीला लिटिल कृष्ण स्टिल होगा, खड़ा होगा वीडियो, इसको हिलाओ डुलाओ। हम लोग देखते हैं, लेट्स वॉच इट एटलीस्ट। अब बोल, अब चाहे तो मैं प्ले कर सकता हूँ यहाँ से। हाँ जी, आप चाहे तो मैं भी ऑडियो ट्राई करता हूँ यहाँ से। हाँ प्लीज प्रो जी, एक मिनट ट्राई करता हूँ। ओके, आप करना चाहेंगे मैं स्टॉप करूँ स्क्रीन शेयरिंग? हाँ आप स्टॉप कर दिए, मैं करता हूँ। दामोदर लीला इन हिंदी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो है 10.55 मिनट्स का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस
मधुर बांसुरी बजाते रहो, ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। नहीं। मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। भूख लगी। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ना 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 ला 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 तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हड्डियाँ फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। मुझे यहाँ किसी शक्ति का आभास हो रहा है। Problem 3 on the board. Please. Oh, Krishna, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि तुम मुझसे ही डरने लगोगे, उस मैया से जो तुम्हें सर्वाधिक प्रेम करती है, तो कैसे चलेगा? काला बादल। मुझे भी किसी संकट का आभास हो रहा है, और तुम भी कुछ कम संकट नहीं खड़े करते हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हें संकट से कैसे दूर रखना चाहिए। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें बांध देती हूँ। मैंने तो ये रस्सी नाप कर काटी थी। अब इतनी लंबी ठीक है। बांधना नहीं। ओह।
अब ये अवश्य पूरी हो जाएगी। नहीं बांधो। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है मेरे नन्हे कृष्ण, कदाचित तुम्हें बंधन पसंद नहीं इसीलिए मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही। कहो यही बात है ना? ये तुमने कैसे किया? अब अच्छे बच्चे की तरह रहना और रोना नहीं। मैं अपने कार्य पूरे करके अभी आई। विशाल वस्तु गिरी है। हे प्रभु, समस्त जगत के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान कृष्ण प्रणाम। मैं नलकुवारा हूँ और ये है मेरा भाई मणिग्रीवा। हम इन अर्जुन वृक्षों में श्राप से बंधे हुए थे प्रभु। हमें नारद मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि हमें हमारी संपन्नता पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है, जब हम सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के दर्शन करेंगे तब हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। कृष्णा, यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्णा? वृक्ष गिर गए और थकान। इतने विशाल काय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्षों को उखाड़ दिया। कृष्णा, ये असंभव है। सच में वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर इसने खींचतान की, फिर पेड़ उखड़ गए और उनमें से दो देव पुरुष निकल आए। दो देव पुरुष? हाँ, उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। हाँ, जब भी कुछ अद्भुत घटना घटती है कृष्णा आसपास होता ही है। इस लड़के की बात सत्य है, तुम्हारे पुत्र में कुछ तो विशेष है नंद। नहीं, ये विशेष नहीं है, ये तो अद्भुत है। क्यों सत्य कहाना वृंदावन के लाडले? हाँ, बिल्कुल अद्भुत। कृष्णा वृंदावन के प्यारे कृष्णा, है तू सबका दुलारा कृष्णा। कृष्णा कहाँ थे इतनी देर? कृष्णा बोला, ओ मेरा लल्ला, तू बुरा कैसे होगा? तू संसार में सबसे अद्भुत है। There's a pattern to genius.
हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानेन्द्रियनाशनाय अरे कृष्णा आपको ये वीडियो कैसा लगा? अदीबोल बहुत बढ़िया या सो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब हमें दामोदर लीला तो पता है, हमने दामोदर लीला देख भी ली, तो फिर अभी हम और इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे? क्योंकि ये सेशन का हमारा उद्देश्य है एसेंस ऑफ दामोदर लीला और दामोदर अष्टकम। सो और हम इसमें क्या चर्चा कर सकते हैं, क्या मुझे कोई बता सकते हैं? बिकॉज मैं ये सेशन इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ, डोंट वॉन्ट टू कीप इट इन अ लेक्चर फॉर्म। तो आई रिक्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेशन, मेरा अनुरोध है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। करेंगे, आजा जल्दी जल्दी, हमें रेज हैंड करके। यस कृष्णा बताइए। हमें इस लीला से क्या सीखना चाहिए? ओके, सो ये एक पॉइंट हो गया। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपने ये वीडियो देखा 10-11 मिनट का, तो आपने क्या अनुभव किया? दो फिंगर क्यों शॉर्ट हो रही थी कृष्ण को बांधने के लिए? ओके, तो ये एक सेकेंड पॉइंट है। और किसी ने क्या अनुभव किया ये वीडियो देख के 10-11 मिनट का? किसी ने जो है वो वात्सल्य भाव नहीं देखा यशोदा माँ का अपने पुत्र के प्रति? किसी ने भगवान की शक्ति को नहीं देखा कि भगवान एक बालक है पर फिर भी कितने शक्तिमान है? किसी ने भगवान के करुणा रूप को नहीं देखा कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, पूरे विश्व के त्रिलोकी नाथ है, बट स्टिल वो इतने करुणामय है कि उन्होंने दो बद्ध आत्माओं को मुक्त किया? ऐसे मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने और क्या देखा इसमें। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज बोलिए और शेयर कीजिए अपने अनुभव, ताकि हम इसको एक इंटरेक्टिव डिस्कशन फॉर्म में कर सकें ये चर्चा। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं कंटिन्यूसली जो है वो बोलता रहूं और जो जो पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ दामोदर लीला के बारे में डिस्कस कर लूं, बट मैं चाहता हूं कि हम लोग इंटरेक्टिव करें। Anybody wants to add? आस्था माता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं तो नहीं, मैं ऐड करना चाहती है स्तुति। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी क्या कह रहे जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं स्तुति कह रही हूँ। मेरे को ना वीडियो में बड़ा अच्छा लगा जब लॉर्ड कृष्णा थोड़ा सा नॉटीनेस दिखा रहे थे, फिर उसके बाद जब किसी माता ने यशोदा माता को कृष्णा को वापस किया तो कृष्णा जी ने फिर बोला कि कृष्णा बुरा, ऐसे करके उन्होंने बोला, तो मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने अच्छा काम करके भी बोला कि मैं बुरा हूँ क्या, उन्होंने ऐसे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी बेटा। और कोई प्रभु जी माता जी कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? उन्होंने क्या देखा वीडियो में, क्या ऑब्जर्व किया?
कोई और ऑब्जर्वेशन किसी की? हरे कृष्णा, आवाज बहुत कम आ रही है माता जी आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके हाँ जी कहिए माता जी। मुझे ये लीला देखकर ऐसा लगा कि कृष्ण किसी बंधन में नहीं बनते, बस वो है कि अपनी अपनी माँ के लिए वो उनके प्यार के लिए बंधन में बंधे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनिया माता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक वो डिस्कनेक्टेड है सोनिया माता जी। डिस्कनेक्ट हो गए। ओके तो चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि दामोदर अष्टकम की लीला से जो है वो हमें क्या सीखने को मिल रहा है। हम लोग दामोदर अष्टकम के जो वर्सेस हैं, पैरास है, उनके उनके जो तात्पर्य है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, बिकॉज आज समय इतना नहीं रहे। कितने बजे तक है आदि कवि प्रभु? आज हम कितना 8:30 वाइंड अप करना है, 8:45 क्या है समय? यूजुअली 7:45 टू 8:45 होता है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। यस यस, बट यू कैन एक्सटेंड इफ यू वांट। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो दामोदर अष्टकम के वर्सेस हैं उनके उनकी एक्सप्लेन की चर्चा हम लोग कल करेंगे, और आज हम लोग कुछ हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, क्या क्या चीजें हम लर्न कर सकते हैं दामोदर लीला से, हम उनके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आदि कवि प्रभु ने बताया कि दो उंगलियों का हमेशा जो है वो डिफरेंस रह जाता था जब भी भगवान को बांधने की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि भगवान जो है वो त्रिलोकी नाथ है। त्रिलोकी नाथ को कौन बांध सकता है? कोई ऐसा है जो भगवान को बांध सकता है? कोई भी नहीं है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, और भगवान अगर चाहें तो वो खुद प्रेम हेतु जो है वो बंध सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी जितना कोई भी बड़े से बड़ा कोई राक्षस हो जाए, बहुत शक्तिमान हो जाए, किसी की क्या ऐसी यू नो स्ट्रेंथ है कि वो भगवान को बांध सके? बट भगवान जो है वो अपने भक्तों के हमेशा अधीन रहते हैं। भगवान हमेशा जो है वो भक्त वत्सल है। आप देखिए हम लोग महाभारत में भी देखते हैं कि जब विदुरानी भगवान को केले के छिलके खिला रही थी, तो भगवान ने उनके प्रेम में जो है वो केले के छिलके भी खा लिए, और जब बाद में विदुर जी ने टोका तो यू नो उनको जब केले खिलाए गए और अन्य चीज खिलाई गई, उससे ज्यादा जो है जब विदुरानी अपने प्रेम भाव से उनको केले के छिलके खिला रही थी, तो वो ज्यादा जो है उनको उसमें आनंद आया। तो कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं। महाराज जी एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान जो है वो प्रेम के वशीभूत है, और हम लोग केवल भगवान को प्रेम के हेतु प्राप्त कर सकते हैं। हम और किसी भगवान, भगवत गीता में भगवान ने कितने प्रकार के योग बताए हैं, यू नो राजयोग बताया है, मेडिटेशन बताए, कितना कुछ भगवान ने बताया, पर अंत में भगवान ने यही बताया है कि मुझे जो है वो केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है और कुछ नहीं। और भक्ति, प्रभुपाद जी क्या बताएं, भक्ति की क्या परिभाषा है, भक्ति का क्या डेफिनेशन है? भक्ति की डेफिनेशन है कि जब हम अपना सोया हुआ कृष्ण भावना अमृत, हमारी सोई हुई कृष्ण भावना अमृत, हमारा जो सुषुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है उसको जगाएंगे, तो तब जो है हम भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत कर पाएंगे, हम भक्त बन पाएंगे।
आज मैं आपके सामने बोलूं कि मैं तिलक लगा के कंठी माला लगा पहन के माला करके मैं भक्त बन गया हूं? नहीं, मैं भक्त नहीं बना भी, मैं भक्त बनने के प्रयास कर रहा हूं। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डिवोटी, आई हैव नॉट बिकम अ डिवोटी। अक्सर कई बार क्या होता है कि लोग जो बाहर के लोग होते हैं वो देखते हैं, अरे वो बोलते हैं अरे आपके इस्कॉन वालों ने ऐसा कर दिया, आपके इस्कॉन वालों ने वैसा कर दिया। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान उसने भक्त माला करनी शुरू कर दी है, भक्ति करनी शुरू कर दिया, जब फुल टाइम होके वाइट में ऑरेंज में कोई आ गया है तो वो परफेक्ट हो गया है। नहीं, हम सब परफेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ माइलस्टोन। यू नो, ये अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम ये जो कृष्ण भावना अमृत हमारा जीवन है, ये एक जर्नी है और हमें इसमें अपना रेगुलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हर समय करते रहना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए एंड हमें हमेशा जो है वो अपने आप को रिवाइव करते रहना चाहिए। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोसेस होता है। जब भी कोई चीजें बनती हैं, जैसे मान लीजिए आपके लिए साबुन बन रहा है या टूथपेस्ट बन रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो उसका हमेशा क्वालिटी प्रोसेस चेक किया जाता है कि भाई उसमें कितना अच्छा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जब नेक्स्ट डे का प्रोसेस जब फिर से मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहां पे उसमें वो सब चीजों की इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी। सिमिलरली हम सब जो है वो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और हमें कभी भी ये नहीं समझना कि मैं भक्त बन गया हूं। हाँ, लोग उसको उसके वो परसीव कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हाँ मैं भक्ति में बहुत अच्छा हूँ, बट हमें हमेशा जो है वो विनम्र भाव रख के भाव रखना है कि मैं भक्त बन रहा हूँ और जैसे जैसे मैं अपने आप को हम्बल रखूंगा और भक्त बनने का प्रयास करूंगा, मेरे अंदर कृष्ण प्रेम सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत होगा, वैसे वैसे जो है भगवान जो है वो हमारा जैसे जैसे सरेंडर भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा, कृष्ण प्रेम बढ़ता जाएगा, सरेंडर बढ़ता जाएगा। सरेंडर का क्या मतलब है? सरेंडर का मतलब है कि हम जो भी कार्य करें हम कृष्ण पे निर्भर रहें। आज क्या है कि मैं और आप जो भी आज कार्य कर रहे हैं हम भगवान पे निर्भर नहीं है, हम आई पे निर्भर है, मैं अपने आप पे निर्भर हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि मैंने ये किया, मैं कल सूरत पहुंच जाऊंगा, मैं परसों दिल्ली पहुंच जाऊंगा, मैं अमृतसर चले जाऊंगा, मैं अमेरिका चले जाऊंगा, मैं ये करूं, मैं के ऊपर हर चीज निर्भर है। मैं पैसे ला रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो जब तक हमारे अंदर से ये मैं नहीं जाएगी और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा हर कार्य जो है वो हमें कृष्ण भगवान को अर्पित करना है, वी हैव टू कीप कृष्णा एज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सो अनलेस वी डू दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट यू नो वी बिकम डिवोटी। और महाराज जी भी हमेशा इसी बात के ऊपर जो है वो ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं कि हम भगवान के ऊपर निर्भर होना सीखें। बट अल्टीमेटली क्या है कि हम सब इस प्रोसेस में है और हम सब वी आर ट्राइंग टू बिकम मैच्योर, बट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब ध्यान रखें कि ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। आज यशोदा मैया को जो है वो इतनी बड़ी सेवा मिली, उनको भगवान की माँ बनने की सेवा मिली है। कैन यू इमेजिन कि भगवान के दर्शन कर लेना भी, मतलब इट्स लाइक कि बहुत बड़ी कोई आई cannot explain कि कितनी बड़ी बात हो गई कि आपने भगवान के दर्शन कर लिए। किसी ने भगवान के दर्शन कर लिए तो मतलब वो ऑलरेडी शुद्धता के किस लेवल पे है, आप वो अंदाजा लगाइए। पर जिस व्यक्ति को भगवान की माँ बनने का मौका मिला हो, वो सेवा मिली हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो भगवान की कितनी बड़ी भक्त होंगी। यशोदा माँ जो है वो भगवान की कितनी बड़ी भक्त होंगी और भगवान के जो प्रेम हेतु वो भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे वो उस समय ये नहीं सोच रहे कि ये भगवान है और ये त्रिलोकी नाथ है या पूरे विश्व का ये यू नो ये सुप्रीम पर्सनैलिटी। नहीं, वो केवल उस समय वो बालक कृष्ण को अपने बेटे की तरह, छोटे बालक की तरह जो है वो देख रही है। और उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने बच्चे को एक
ऑर्डिनरी माँ एक अपने ऑर्डिनरी बच्चे के साथ ट्रीट करती हैं, वैसे उसी भावना में वो कृष्ण भगवान के साथ जो है वो डील कर रही हैं और उनको बांधने की कोशिश कर रही हैं। भगवान भी देखिए आप आगे से क्या कर रहे हैं, भगवान भी बड़े हमारे जो है वो नोटोरियस हैं, मिसचीफ हैं कि बड़े शैतान हैं हमारे भगवान, कि भगवान जो है वो यशोदा माता के साथ खेल रहे हैं, वो माता उनको बांधने की कोशिश कर रही है, वो फिर से दो उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है, फिर वो बेचारे माता और रस्सी लेके आ रही है, फिर छोटी पड़ रही है, वो माता ने कितनी जगह से रस्सी कट कर ली, हार के माता का पसीना जो है वो छूट गया, तो फिर भगवान ने बोला कि अब तो मुझे बन जाना चाहिए। तो भगवान ने अपने भक्त की जो है वो लाज रखने के लिए और भक्त की इच्छा अनुसार जो है वो अपने आप को खुद को जो है वो बांध लिया। तो ये एक पॉइंट है जो आदि कवि प्रभु ने रेज किया था। उसके बाद एक पॉइंट देखिए, मैं ये चर्चा जो है ये सारी डिस्कशन मैं इस भावना से आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ ताकि जो इसमें से लर्निंग्स हैं वो हम ले सकें। कथा हम सबको पता है, लीला हम सबको पता है, बट लर्निंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो लर्निंग्स हैं वो हम लें और अपने जीवन में जितना भी गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी की कृपा से उसको उतार सकें उतना हम सबका ध्यान है। तो एक और भगवान की जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है कि भगवान जो है वो यशोदा माता से दूध पीने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, और यशोदा माता भी जो है वो अपने बालक को जो है वो दूध पिला रही हैं। अब दूध पिलाते पिलाते जब वो भगवान की सेवा कर रही हैं तो उसी समय वो एक तरफ देखते हैं कि वहाँ दूध जो है वो उबल रहा है जो उन्होंने आग के ऊपर रखा हुआ है, और वो एकदम से भगवान को छोड़ के वो दूध को हटाने जो है वो चली जाती है। अब कई बार इस चीज के ऊपर भी चर्चा होती है कि यशोदा माँ ने जो है वो भगवान की छोड़ के जो है वो दूध को क्यों देखने गई, ठीक है कि दूध तो उबल भी रहा था तो कोई बात नहीं, भगवान की जो सेवा हम कर रहे हैं, जैसे अब हम मंदिर में हो तो हम कभी डीटी वर्शिप कर रहे हो तो नेचुरली उस समय हम डीटी वर्शिप अगर कर रहे हो तो डीटीज की हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, सबसे पहले हम वो प्रायोरिटी समझेंगे, और अगर बाद में अगर मान लीजिए कि मैं अगर डीटी वर्शिप कर रहा हूँ और मेरी माता बाहर आ रही हैं या मेरे परिवार से कोई बाहर आ रहा है तो मैं उनको संबोधन बाद में करना चाहूंगा बिकॉज मैं पहले डीटी वर्शिप कर रहा हूँ, उस समय मेरी प्रायोरिटी वो है। पर उस समय बट आप जब यशोदा माँ भगवान को दूध पिला रही थी तो उस समय वो अपना भगवान को छोड़ के अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने चली गई। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब यशोदा माँ अपने बालक कृष्ण को दूध पिला रही हैं तो वो एक बेटे की भावना से, एक अपने खुद माँ होने की भावना से उनके साथ डील कर रही हैं। वो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी को दूध नहीं पिला रही हैं, वो भगवान को दूध नहीं पिला रही हैं, वो अपने लल्ला को दूध पिला रही हैं। माँ अपने बेटे को दूध पिला रही हैं या अपने बेटे को हेल्प कर रही हैं कि उसकी भूख पूरी हो जाए, तो माँ का बच्चे के ऊपर पूरा हक है कि वो कैसे बच्चे को मैनेज करें। तो अगर हम उस समय ये सोचें कि नहीं यशोदा माँ जो है वो छोड़ के चले गए, वो ठीक नहीं है भगवान की सेवा, नहीं, इसमें हमारा अपराध है, हमारा दोष है कि हम माँ के बारे में ऐसा सोचें। यशोदा माँ जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और वो केवल जो है वो अपने लल्ला को अपने बेटे के स्वरूप में देख रही है। हम जब डीटी वर्शिप कर रहे होते हैं तो हम भगवान को जो है वो अपने भाई बेटे सखा के रूप में हमारी भावना हम डेवलप कर रहे हैं, बट अभी यू नो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट हम उस भावना से भगवान को नहीं देख रहे होते, भगवान को पूज नहीं रहे होते, हम भगवान को भगवान समझ के जो है पूज रहा हूँ। हमें भी पता है कि भगवान है, भगवान राम की मूर्ति है, उनकी मैं स्तुति कर रहा हूँ, उनका मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, ये गौर राधा कृष्ण भगवान है या ये गौर निताय भगवान है, तो उस प्रकार से है। तो यहाँ पे
एक चीज और देखने लायक ये है कि माताएं जो होती हैं वो बड़ा ड्यूटी बाउंड होती हैं अपने घर के प्रति, और अपने घर की जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी उनको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। तो हमें वी मस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट कि जो भी हमारे घर पे माताएं हैं और यू नो जो भी वो घर पे काम कर रही हैं, तो वो कैसे सारे वर्ल्ड्स को मैनेज कर रही हैं। इट्स लाइक अ जगलरी, आपने वो बॉल वाली गेम शायद कभी देखी हो कि एक बॉल ऊपर फेंका, फिर दूसरा बॉल ऊपर फेंका, तीसरा फेंका, और यू नो वो बॉल्स को जगल कर रहे हैं। तो यशोदा माँ की ये सिचुएशन से हम ये भी एक लर्निंग लेते हैं कि हमें कैसे जो है वो अपनी लाइफ में मल्टीपल चीजों को जगल करना पड़ता है और यू नो कैसे मैनेज करना पड़ता है, और स्पेशली हमारे घर पे जो माताएं हैं, लेडीज हैं, वो कैसे उनकी लाइफ और टिपिकल है और डिफिकल्ट है, कठिन है, कि उनको कई परिस्थितियों में से निकलना पड़ता है, अपने बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है, अपनी किचन को भी मैनेज करना पड़ता है, जो माताएं काम करती हैं उनको अपने काम को भी मैनेज करना पड़ता है। तो वी मस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट ऑल द लेडीज, माताएं जो हमारे हमारे घरों में है, जो उनका योगदान है उसके प्रति। अगली एक शिक्षा हम दामोदर लीला से भगवान की ये ले सकते हैं कि हमें हमेशा शेयरिंग करना चाहिए। यू नो अब देखिए, भगवान ने जब वहाँ पे मटकी फोड़ी और मटकी फोड़ के भगवान ने बटर खाने की कोशिश की, और आप देखिए कि भगवान भी देखो कैसे हमारे भगवान है कि लक्ष्मीपति हैं, यू नो पूरे पूरी जो सृष्टि है वो सृष्टि के नाथ है, सृष्टि के मालिक है, राइट। और वो होने के बाद भी लक्ष्मीपति, सारा कुबेर का खजाना भी कुछ नहीं है उनके सामने, लक्ष्मी माता जो है वो उनकी पत्नी है, सब कुछ उनके पास है, उसके बावजूद वो अपने भक्तों के प्रति, अपने भक्तों के प्रेम के प्रति वो अपने आप को एक थीफ कहलाना भी जो है उसमें भी वो बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान अपने आप को अपने भक्तों के लिए चोर भी जो है वो कहलाए जाने के लिए ही इज ओके विद दैट, ही इज वेरी हैप्पी, बड़े प्रसन्न है जी, कोई चक्कर नहीं है, मैं चोर हूं तो कोई बात नहीं, बट मेरे 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 सखा खुश है, मेरी माता खुश है, सब लोग खुश हैं, मैं यू नो गोकुल वाले सब खुश हैं, मैं भी एकदम खुश हूँ। तो ये एक भगवान की भगवान के बारे में एक और हमें सीखने के लिए मिलते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो महाराज जी भी हमें कई बार सिखाते हैं कि हमें भगवान के लिए अपने प्रेम को डेवलप करना है। आज क्या है, आज हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जब प्रेम है तो यू नो इट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, तो हमें ग्रेजुअली इस प्रेम को बढ़ाना है। तो जितना हमारा प्रेम की डेवलपमेंट होती जाएगी उतना हम भगवान के प्रति जो है वो हमारा जो भाव है वो जागृत होता जाएगा। और ये सारा प्रभुपाद जी ने जो सारे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट शुरू की है वो सारी भावना का सौदा है और कुछ नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू नो कॉन्शियसनेस। देखो प्रभुपाद जी ने बड़े डेलिबरेटली बहुत सोच समझ के कॉन्शियसनेस वर्ड भी जो है वो इस मूवमेंट के नाम में रखा है। उसका क्या मतलब है कि भगवान के प्रति हमें अपनी चेतना जागृत करनी है, सुषुप्त अवस्था में जो हमारी चेतना है, जो डॉर्मेंट सिचुएशन में हमारी चेतना है उसको हमें जगाना है। जैसे हम जगाएंगे, जैसे हम सफाई करते जाएंगे तो उससे जो है हमारा प्रेम भगवान के प्रति जागृत होता जाएगा। अनदर पॉइंट दैट आई वाज मेंशनिंग कि भगवान देखिए कैसे शेयरिंग करके सबके साथ खा रहे हैं। आज के टाइम में क्या है कि हमारी सिचुएशन ये है कि देयर इज वेरी लेस जो हम बाकियों से शेयर करना चाहते हैं, हम कितना कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत बहुत कम हम बोलते हैं भाई यू नो आप अपना देखो और हम अपना देखेंगे, हम कुछ शेयर नहीं करना चाहते। इनफैक्ट यू नो हम अगर कभी मंदिर में हमें दान भी देना हो, जो कुछ भी हो, तो हम संकोच करते हैं
यू नो क्यों संकोच करते हैं कि नहीं भाई हमारे पास कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेज हमें वो भी करनी है, बट जहाँ पे हमें जो शेयर कर सकते हैं, जो हमारी सिचुएशन हमें अलाउ कर रही हो, हमें डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने बच्चों में भी जो है वो शेयरिंग की बचपन से हमें कल्टिवेट करनी चाहिए कि बच्चे एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करें, क्योंकि जब तक जब वो शेयर करना सीखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा कि उनके अंदर मैं और मेरा की जो भावना है वो डेवलप होती जाएगी, और उस मैं और मेरा की भावना से जो ईगो का लेवल है वो ग्रेजुअली वक्त के साथ बहुत बढ़ता जाएगा। और जब जब आपका ईगो का लेवल बढ़ता जाएगा तो ईगो जहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, भक्ति का लेवल जो है वो आपका डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आप भक्ति में जो है वो उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शेयरिंग जो हमें लगता है कि बहुत छोटी सी चीज है, इट्स अ मिनिस्क्यूल थिंग, बट देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यू नो हमें बच्चों को और आपस में हमारे जो भी परिवार वाले हैं हमें आपस में उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो दैट्स अनदर लर्निंग दैट वी गेट। और इसके अलावा एक लर्निंग और बड़ी अच्छी है कि आप देखिए कि जब भगवान नल कुबेर का और उद्धार कर रहे थे दोनों का, भाइयों का, और उस समय क्या हुआ कि भगवान ने उनकी लीला की हम डिटेल में सेपरेटली जाएंगे, बट देन यू नो उस समय भगवान ने देखिए कैसे एक ओखली में से भी जो है वो निकल के अपना पेड़ को नीचे गिरा दिया। तो उससे हमें क्या पता लगता है, क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, यू नो, और सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भगवान अपना हमें लीला के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि वो कैसे उन्होंने एक ओखली से दोनों पेड़ों को गिरा दिया। तो अब नॉर्मली आप कोई भी बच्चे को देखें तो बच्चे में कोई शक्ति नहीं होती है, बट भगवान क्योंकि बचपन से भगवान थे, ऐसा नहीं है कि भगवान 10 साल की उम्र में जाके भगवान बने या 12 साल की उम्र में जाके भगवान बने और उनको जो है वो नल कुबेर को और मणिग्रीव को मुक्त करने के लिए कुछ स्पेशल उनको तंत्र मंत्र करना पड़ा या कुछ करना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान जब छोटे थे तब से भगवान है, जब पैदा हुए तब से भगवान है। तो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और वो अपनी शक्ति से कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। और जैसे हमने ये देखा कि भगवान यशोदा मैया से जो है वो बंध गए, नहीं तो भगवान को जो है वो कौन बांध सकता है, कौन है ऐसा दुनिया का प्राणी ही जिसमें ये शक्ति है कि वो भगवान को बांध सके। तो ऐसी शक्ति जो है वो किसी में भी नहीं है। और उस समय आप ये देखिए कि जैसे हमने ये वीडियो में भी आज देखा लिटिल कृष्णा की, कि जो गांव वाले हैं गोकुलवासी हैं वो कैसे नंद महाराज को और उधर बता रहे हैं कि आपका जो कृष्णा है वो तो कुछ अलग ही बालक है, बट अगर आप यशोदा माँ को देखें या नंद महाराज को देखें, वो अपने लल्ला को अभी भी एक ऑर्डिनरी बालक की ओर बालक की तरह ही देख रहे हैं, जबकि ये बाहर वाले जो गोकुलवासी हैं वो कहीं ना कहीं ये इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भाई ये बालक जो है वो विचित्र है और ये कुछ भी कर सकता है। बट क्योंकि नंद महाराज और यशोदा माई जो है वो पिता और माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधे हुए हैं, तो वो भगवान को जो है वो अपने पुत्र की तरह को देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये जो प्रेम सगाई है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये हमारा जीवन का सारा केंद्र जो है वो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना। जब हम प्रेम डेवलप कर लेंगे ना भगवान के प्रति, तो भगवान हमारी हर सिचुएशन में रक्षा करेंगे, हर सिचुएशन में सहायता करेंगे। और जब
अगर हमारा ये प्रेम नहीं डेवलप हुआ भगवान के प्रति, तो अंत समय तो नारायण स्तुति क्या होगी होगी, बट हमारा जो जीवन भी चल रहा होगा उसमें भी जो है वो बहुत कठिनाइयां आती रहेंगी। अब आप ये कई प्रश्न पूछेंगे कि भाई जो भक्त लोग हैं, जो इतने एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, जो इतने अच्छे, उनको भी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी हमने देख कुछ हमारे सीनियर इस्कॉन के लीडर्स की कोरोना के वजह से भी मृत्यु हो गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और भी अन्य जो है वो कई बार हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान उनकी रक्षा नहीं करे, भगवान उनकी सहायता नहीं करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, बट समटाइम्स कृष्णा हैज अ बेटर प्लान यू नो देन व्हाट वी थिंक। वी समटाइम्स थिंक्स, हम सब कई बार सोचते हैं कि भाई ऐसा होना ठीक है या वैसा होना ठीक है, बट हमें ये नहीं पता होता कि भगवान हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। जैसे एक छोटा बालक है, वो छोटा बालक समझ नहीं पाता कि उसके माता पिता उसके लिए क्या सोच रहे हैं, यू नो, वो सिर्फ अपनी सोच में चलता है कि नहीं मुझे ना ये कैंडी ले दीजिए, ये आइसक्रीम ले दीजिए, और ये आइसक्रीम खा के मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, ठीक है। बट उसके माता पिता सोच रहे हैं कि नहीं कैंडी बहुत ठंडी है, ये खाएगा तो हमारा बच्चा बीमार हो सकता है, वो इसके लिए ठीक नहीं है। पर वो बात बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चा ये समझ रहा है कि मैं तो आइसक्रीम बड़ी स्वादिष्ट है, उसको खाऊंगा और खा के बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, तो भगवान मेरी जो है वो इच्छा पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली कई बार अगर हम भक्तों को देखते भी हैं कि उनके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, तो एक उनके कर्मों की निवृत्ति कर रहे हैं भगवान, ताकि वो उनके कर्म जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए और वो भगवान उनको अपने चरणों की सेवा दे सके। दूसरा जो है वो भगवान का कई बार हमारे लिए अच्छा प्लान होता है जो हम समझ नहीं पाते, और वक्त के साथ जो है हमें उस चीज की समझ लगती है। तो हमें इन सब बातों का बातों को ध्यान देना जरूरी है। और उसके बाद आप देखिए, अगर हम क्या नाम है यू नो, अगर हम नल कुबेर की कथा यू नो उनकी स्टोरी को अगर हम देखें और मणिग्रीव की स्टोरी को देखें, तो देखिए उनका जीवन भी कैसा था। एक डेमीगॉड्स थे वो, देवी देवता यू नो देवता थे, और देवता होने के बाद ऑपुलेंस, पैसा और वो यू नो जो बहुत ज्यादा उनके पास ऑपुलेंस होने के बावजूद जो है वो मदिरा में और व्यभिचार में जो है वो फंस गए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो जीवन है वो बेकार हो रहा था। अब उस समय वहां पे नारद जी वहां से निकल रहे हैं, तो नारद जी ने देखा कि इनकी दोनों की, नल कुबेर और मणिग्रीव की शिक्षण बड़ी खराब है। अब देखो एक भक्त जो है, जो सच्चा भक्त है, वो हमेशा बद जीव आत्माओं को बचाने का प्रयास करेगा। अब कई बार आप देखें तो वो साधु संत उसमें पर्सनली देर इज नो बेनिफिट। आप सोचें कि अच्छा यू नो इनका कुछ फायदा होगा, नहीं इनका कुछ, बट संतों की जो भावना होती है वो भावना कुछ इस प्रकार की होती है कि वो हमेशा बद जीवों को बचाना चाहते हैं, और उसके लिए वो यू नो कुछ भी करते हैं। और भगवान अपने भक्तों की बात रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। तो जैसे नारद जी ने उस समय क्या हुआ कि नारद जी वहां से निकल रहे थे, तो नल कुबेर और मणिग्रीव ने नारद जी को कुछ प्रणाम नहीं किया, और वो अपने व्यभिचार में और मदिरा वगैरह में व्यस्त थे। तो वहां पे नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप जो, आप दोनों जो है वो देव ये शरीर छोड़ के, बहुत सुंदर शरीर था उनका, बहुत ऐसा सुंदर शरीर था कि ऐसे यू नो उनके शरीर में से जो है जैसे सूरज की किरणों का प्रकाश होता है ना, वैसे बहुत सुंदर शरीर था। तो वो शरीर छोड़ के उनको पेड़ बनने का, अर्जुना पेड़ बनने का जो है वो श्राप दे दिया। बट उस समय सिर्फ श्राप उनको श्राप देने के लिए नहीं दिया, उनका उद्धार करने के लिए दिया। उद्धार क्या करने के लिए दिया, उन्होंने देखा कि अगर ये इसी चक्कर में लगे रहे तो इनका इनको यम यात्रा जो है वो भोगनी पड़ेगी, हेलिश प्लैनेट्स में जाना पड़ेगा। तो उनका उनके कल्याण हेतु
उनको पेड़ बनने का श्राप दिया और उनपे ये कृपा की कि भगवान स्वयं जो है वो आके उनको दर्शन देंगे और उनको इस श्राप से मुक्त करेंगे। तो आप देखिए कि ये श्राप में भी जो है वो बेनिडिक्शन थी, तो श्राप भी था और साथ में जो है वो वरदान भी था। तो नारद जी जो है वो भगवान के ऐसे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं कि उनकी भावना जीव को बचाने के लिए थी, नहीं तो वो भी क्या एकदम से क्रोध में आके कुछ भी श्राप देते कि अच्छा तुम ऐसे हो, तुमने मुझे देखा भी नहीं, कुछ प्रणाम भी नहीं किया, ऑब्सेंसेस भी ऑफर नहीं की, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि जाओ तुम हमेशा के लिए पेड़ बन जाओगे, नहीं। बट उनकी भावना वो नहीं थी, उनकी भावना थी नलकुवेर और मणिग्रीव को बचाने की, उनको यम यात्राओं से बचाने की। वो जिस कार्य के लिए थे उस कार्य में उनको वापस लाने की, तो इसलिए उन्होंने श्राप के साथ उनको वरदान भी दिया कि भगवान के आपको दर्शन हो। तो हमें संतों की भक्तों की भावनाएं देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और हमें भी ये भावनाओं को डेवलप करना है, इमिटेट नहीं करना है, हमें नकल नहीं मारनी, कॉपी नहीं करनी है, हमें अपने आप में ऐसी भावनाओं को डेवलप करना है। जैसे जैसे ग्रेजुअली हम ऐसी भावनाएं कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से और सबसे अधिक गुरु परंपरा की कृपा से जैसे जैसे हम ऐसी भावनाओं को डेवलप करेंगे तो वैसे वैसे हम पाएंगे कि हमारी चेतना में जो है वो परिवर्तन हो रहा है। और जैसे जैसे हमारी चेतना में परिवर्तन हो रहा है, हम अपने आप को खुद से जो है वो बहुत स्वयं ही बहुत आनंद में हम अपने आप को महसूस करेंगे। अभी आप देखिए भगवान के इतने भक्त हुए हैं और इतने आचार्य हमारे हुए हैं, तो वो बेचारे कैसी सिचुएशन में, खाने को भी कुछ है नहीं, कपड़े भी फटे हैं, कैसी, बट ये तो बाहर से उनकी सिचुएशन हमें दिख रही है ना, बट अंदर से जो उनकी सिचुएशन है अंतर्मुखी होके अगर हम उनको देखें तो वो अत्यधिक जो है वो आनंद में अपने जीवन को बिता रहे हैं। वो कैसे बिता पा रहे हैं? वो इसलिए बिता पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम है वो जागृत हो गया है। जब वो प्रेम जागृत हो गया भगवान के प्रति, जैसे राधा रानी के अंदर क्या प्रेम है, ठीक है ना, और गोपियों के अंदर क्या प्रेम है भगवान, ऐसा प्रेम है कि हम तो सोच भी नहीं सकते और शायद कामना भी नहीं कर सकते कि हमारे अंदर ऐसा प्रेम। तो बोलते हैं ना प्रभुपाद, कहते हैं कि 1000 times दासानु 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 दास, कहीं हम वो 1000 times नीचे जाके भी दास बन जाए ना तो भी हमारा कल्याण है, तो भी हमारा कल्याण है, हमारे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाएंगे। तो मतलब इतना आनंद में जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो आई थिंक समय का अभाव रख के हम आज के लिए स्टॉप करते हैं ये चर्चा और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे चर्चा। और जो क्या नाम है दामोदर अष्टकम के स्टैंजास हैं, हम उसकी डिटेल्स में भी जाएंगे और चर्चा करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए, अगर नहीं को कल हो पाया तो फिर आज रिक्वेस्ट करने पड़ेगा कुछ आगे पीछे कर सके एक आध दिन और, बट कोशिश करेंगे, नहीं तो कल खत्म करने के लिए। तो यस सर, आप परसों भी ले सकते हैं, यस कोई बात नहीं, या इफ यू आर अवेलेबल यू कैन टेक नेक्स्ट डे क्लास एज़ वेल। तो प्रयास करते हैं प्रभु जी, कल देख लेते हैं कैसी सिचुएशन है। नहीं तो शिला प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न, अगले 10-12 मिनट हम कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, 9 बजे तक वाइंड अप कर देंगे सेशन को। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे वो 2 उंगल रस्सी रह जाती है बांधने की, तो उसका क्या मतलब है? माता जी हम लोग ने चर्चा की ना कि 2 उंगली रस्सी इसलिए रह जाती है कि भगवान जो है वो अपनी माता के साथ
अठखेलियां कर रहे हैं। जैसे आप देखिए हमारे पास घर पे बच्चे होते हैं तो बच्चे कैसे अठखेलियां कई बार करते हैं कि मम्मी ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगा, और यू नो बच्चे तो बच्चे है ना, तो उस प्रकार से वो करते हैं। बट जब भगवान ने देखा कि उनकी माता कितनी परेशान हो रही हैं, बार बार रस्सी के छोटे टुकड़े ला रही हैं, फिर बांध रही हैं, फिर वो बांध रही हैं, फिर दो छोटी रह गई और यू नो वो रस्सी को बांध नहीं पा रहे, तो भगवान ने अपनी माता पे कृपा करते हेतु यू नो उन्होंने अपने आप को बंध जाना स्वीकार किया। और जब उन्होंने अपने आप को बंध जाना स्वीकार किया तो उससे क्या हुआ कि वो रस्सी जो 2 इंच छोटी पड़ रही थी वो पूरी होनी शुरू हो गई। तो ये माता जी इसका कोई और प्रश्न किसी का? I would just like to add, like जैसे माता जी ने बताया ना, तो आचार्य ये भी बताते हैं कि जैसे 2 फिंगर जो है रिप्रेजेंट करते हैं mercy and endeavor, तो devotee का endeavor प्रयास भी होना चाहिए और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, तो ये 2 चीज अगर है तो फिर वो शॉर्ट नहीं रहेगी। तो जैसे प्रभु जी ने बताया उसमें जस्ट ऐड कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर कोई और प्रश्न नहीं है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा, सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा।